गर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आज हम आए ड्यूटूल पे नहाने के लिए। तो फिर आज हमने आपको कुछ नया भी दिखाया अपना, जो हमारे इन पठान लोगों का डेर है ये ट्यूल वगैरह उन्हीं की है। मैंने कहा आज अपने व्यूअर को वो भी अच्छी दिखा देते हैं। पहले माशाल्लाह हमने यहाँ पे बाग की वीडियो बनाई थी काफ़ी ज़्यादा जो है ना। अभी हम आगे चलते हैं की तरफ। बहुत ज़्यादा है, पहले दो दिन ना बारिश आती रही है और आज जो है ना धूप निकली है, तो इतनी गर्मी, इतनी ज़्यादा जो है ना शदीद गर्मी है। तो देखें जी सारा जो है ना मुझे पसीना उतरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं और हमारे दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी देखें जी, जिस एक मिनट भी नहीं होगा मैं धूप पर खड़ी रही हूँ और मुझे कितना ज़्यादा जो है ना पसीना उतरा है, क्योंकि आज गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा शदीद दर्द गर्मी है। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं गर्मी में, अभी आपको आगे जाके बताते हैं। तो दर्श भाई तो जो है ना वो, दर्श भाई को देखे जी कितना ज़्यादा जो है ना पसीना उतरे हुआ है, क्योंकि गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना, इस वजह से सारा पसीना आ रहा है। तो अभी दर्श भाई अपनी बाइक लेके आते हैं कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, फाइनली आपको बताते हैं। इधर हमारे गाँव का व्यू चेक करें जी। अभी तक जो लोग हैं ना गाँव वालों छाँव पर बैठे हुए छाँव पर, तो फाइनली अभी हमने अपनी जो भैंसें हैं ना वो भी बांध दी है। ये देखिए वो खा रही है जी, चारे सारे आप जाने ना, अभी इन्हें बांध दिया। अभी लोग जो है ना आज बकरी को नहीं गए, क्योंकि आज कल बारिश आई थी ना, तो इसीलिए उनकी जो नील जो है ना उसमें पानी जो है ना बहुत ज़्यादा था, और इसीलिए आज फिर मक्की पे आप लोग नहीं गए। शुक्र है मुझे भी काम नहीं करना पड़ा। तो मेरी भैंसें देखे जी कैसे आराम से चारा खा रही हैं। इधर देखिए जी यहाँ पे जो है ना बाजी जान ने अपनी सफाई के घर का काम कर लिया है, और इधर हमारे काम कर लिया। देखिए जी काफ़ी दिनों के बाद हम आपको अपने काम का वीडियो करते हैं, और बकरा देखे जी कैसे घूम फिर रहे हैं यहाँ पे चीज़ें। यहाँ पे चेक करें जी, धान जो है ना वो भी लग चुके हैं। देखिए ये सारा धान इतना दूर तक अभी वहाँ पर जो है ना लग रहा है, तो देखिए जी वहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर ये है जी पनीरी, कुछ पनीर जो है ना उन लोगों ने आपको दिखाया कि तोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे धान लग चुके हैं। और उधर मक्की देखे जी अभी तक खड़ी, क्योंकि मक्की जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, ये सारा बाकी ये सारा उन लोगों ने ना धान लगवा दिया है। और खाले में से पानी देखे जी कितना कम जा रहा है, मुझे लगता है ट्यूबवेल या नाली का पानी है, ये ट्यूबवेल कम चल भी नहीं रही। तो अभी जो है ना आज हम आपको एक नई चीज़ दिखाने जा रहे हैं। तो अभी मैंने कहा आपको बाइक का व्यू दिखा दी, यहाँ से देखे जी उन लोगों ने आम की जो तुड़ाई है ना वो कर ली है, और मक्की देखे ज़्यादा खड़े हुए हैं। ये देखे जी नाइश भाई भी आ चुके हैं। और अभी जो है ना हम पहुँच जाए हैं जी डेरे में। तो अभी माशाल्लाह देखिए जी यहाँ पे कितना प्यारा किसान सब जो है ना वो तल्ले वगैरह लगे हुए हैं। और ये देखिए पहले आप तल्ला चेक करें, ये इधर ना पहले ये बस यही डेरा होता था, लेकिन अभी जो है ना उन लोगों ने न्यू डेरा जो है ना वो बनाया है इधर आगे, उसको ना मुझे लगता है कुंडी लगी पड़ी है, और मैंने अपने शूज जो है ना वो भी पीछे उतार दी, क्योंकि हम तल्ले पे आ चुके थे। और दंश भाई भी इधर जो है ना मेरे पीछे पीछे आ रहा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये बना है जी उनका न्यू डेरा, उन लोगों ने ये दूसरा डेरा बनाया है। अभी देखिए जी माशाल्लाह तल्ला जो है ना माशाल्लाह उन लोगों ने बहुत ही प्यारा लगाया हुआ है, और देखिए साथ साथ बिल्कुल आगे बकैन वगैरह जो है ना वो लगी हुई है, और इधर उन लोगों ने न्यू जो है ना डेरा बनाया है। ये देखिए जी ये दूसरा, पहले ये एक ही होता था, लेकिन अभी उन लोगों ने साथ एक दूसरा भी डाल दिया। और इधर चेक करिए जी ये सारे जो है ना केले के दरख्त ऊपर, माशाल्लाह देखे जी उनका केला लग भी चुका है, इसके अंदर भी ये देखे जी ये सारे केले लग चुके हैं। थोड़े दिनों में ना ये पकते हैं, क्योंकि अभी तक तो केले के मौसम नहीं है। माशाल्लाह देखे ये सारे ये केले के दरख्त लगे हुए हैं, और ये जो पड़े हैं ना ये पड़े हैं गमले जिसमें पौधे वगैरह लगाते हैं। माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे हुए, पहले ना इतना अजीब सा था। और इधर देखे जी केले जो है ना यहाँ पर भी लग चुके हैं, ये सारे माशाल्लाह केले काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, ये सारे आगे लाइन में ना यही लगे हुए हैं जी केले। और ये पता नहीं क्या लगी हुई तो मुझे नहीं पता। और साथ देखिए जी ये बकैन लगी हुई है, पहले ये अजीब सा था और इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी लोगों ने देखा जी तल्ला वगैरह लगा के माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और साथ साथ जो है मेरा भी ऐसा शौक है कि मैं भी अपने घर में ना तल्ले वगैरह लगाऊँ। पता नहीं क्या मसला मेरे घर में तो होते भी नहीं, जब मैं अपना न्यू घर बनाऊँगी ना तो तब इंशाल्लाह ताला लगाएंगे, जब हमारे यूट्यूब फैमिली हमारी मदद करेगी और हमारा चैनल जो है ना वो चल जाएगा, तो फिर अपने सारे ख्वाब पूरे करेंगे। हमारा और तो कोई कारोबार है नहीं। तो अभी देखे जी ये चारों लगी हुई है जी बकैन, वो नीम है, और ये है जी बकैन, ये चारों हम खाते थे पहले
यहीं पे इस साल ना इन लोगों का लोगों ने कपास के अनुभव नहीं कष्ट की, तो पहले हमने ये इन लोगों को ये जो है ना कपास कष्ट करते थे और हम भी आके यहाँ से चुनाई करते थे, और वहाँ पे हमें अभी भी याद है कि वहाँ पे बैठ के हम निकालते थे जी उनके डोडे जो होते हैं वो। तो अभी देखे जी यहाँ पे उन लोगों ने मशीन वगैरह जो है ना वो भी लगाई, क्योंकि इन लोगों ने बकरी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है, तो बकरी मुझे लगता है कोई चाहती जान जो है ना वो चराने के लिए लेके गए हैं जी। तो ये देखिए ये सारे उन लोगों ने मशीन लगाई हुई है बकरी के चारे के लिए, और चारा भी पड़े हुए कुछ काटा पड़े और कुछ जो है ना वो वैसे पड़े हुए थे, और चलाते भी हाथ पे हैं। इसके अंदर मुझे लगता है कि लत्ते भी डाली हुई तो लगते नहीं, और वजन भी जा रही है, ये भी बहुत ज़्यादा वैसे तो इतनी ज़्यादा चलाई भी नहीं जा रही, और बाकी भी उनकी हर चीज़ खड़ी है, क्योंकि ये दे रहे हैं ना माशाल्लाह वो बहुत पठान जो है ना वो बहुत ही माशाल्लाह अमीर है अल्लाह हर चीज़ उनके नसीब के, ये उनके ट्राली ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, और आगे जो है ना वो मक्की जो तुड़ाई करवाने हैं वो सारे अंदर गिराज के अंदर ही पहनते हैं, क्योंकि बारिश से आ रही है ना कहीं हर चीज़ जो है ना उनकी ख़राब ना हो जाए। देखिए जी मेरे शूज़ भी उतार दिए जब हम वहाँ पे आए हैं, तो अभी शूज़ जो है ना वो मेरा वहीं पर पड़ा हुआ है, शूज़ मैंने डाला भी नहीं। तो यहाँ पे चेक करें जी माशाल्लाह ये लगी हुई है जी सब्ज़ी, तो पहले तो मैं टमाटर दी हूँ जी, टमाटर इतने बड़े टमाटर कैसे कोई टमाटर नहीं है ये ना बताऊँ मैं यस लाग तो दूर से आया था कि जैसे टमाटर हूँ। हाँ बताऊँ मैं बैंगन है ये देखिए जी ये सारे लगे हुए हैं जी बैंगन, और ये ना ये देखिए इनका जो असल चेहरा ये देखिए ये सारे अभी ना ये इनके मौसम जा रही है तो इसीलिए इनका जो कलर है ना वो भी चेंज होता जा रहा है, और यहाँ पे ये कद्दू वगैरह माशाल्लाह उन लोगों ने ये सारी सब्ज़ी वगैरह लगाई, और ये आगे भी ये सारे बैंगन ही लगाए हुए हैं, ये देखिए जी ये छोटे छोटे जो है ना लगे हुए हैं, देखिए ये छोटा सा जैसे टमाटर हो ना वैसे लगे हुए हैं, ये सारे आगे बैंगन लगे हुए हैं, और इधर कद्दू वगैरह अच्छी जगह मासी वाला काफ़ी जो है ना बड़ा डेर है, तो इसीलिए यहीं पे वो अपना सालन वगैरह बनाते हैं, सारी इसके ऊपर ना मट्टी लगी पड़ी है, और ये देखिए जी ये भी कद्दू पड़ा और ये भी साथ पड़ा, कितने प्यारे सारे सब देखिए जी कितने प्यारे बने हुए जो है वो पी रहे हैं जी पानी, तो अभी हमने ताज भाई को आया जी अंदर क्या धक्का देना ताज भाई के ना मैंने जो है अंदर धक्का दे दिया, ताज भाई पानी पी रहे थे और इसीलिए उसे ना पता भी चला, लेकिन ताज भाई भी हम नहा ले, अच्छा भाई नहा ले अब इतनी ज़्यादा गर्मी है तो नहा ले, पूल का पानी देखिए माशा बहुत ही ठंडा है, ताज भाई भी नहा रहे इंजॉय करे, मैंने तो भाई थोड़ा सा नहाई हूँ माशाल्लाह, वैसे मज़ा बहुत आ रहा है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा मैंने तो नहा लिया है, अभी जो भाई है ना हमने नहा लिया है, गर्मी जो है ना अभी हमारी गर्मी जो है ना कुछ जाके विड्रॉल हुई है, माशाल्लाह ट्यूब का पानी जो है ना बहुत ही ठंडा था और बहुत ही मज़ा है नहाने का, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया, अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा देखा करें प्लीज़ प्लीज़, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा दिखा के, अभी हमारी वीडियो को व्यूज है ना बहुत ज़्यादा कम पड़े हैं, तो अभी हम इतनी मेहनत करें आपको दिखाते थे रोज़ाना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा दिखा करें।